हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त मुनीश। और मैं सुनील। और मैं हूं विजेंद्र। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिलते रहें। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं, हम रिएक्शन करते हैं इस चैनल के ऊपर। तो आज का जो रिएक्शन है वो है वॉर मूवी के टीज़र के ऊपर। इसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों एक साथ आ रहे हैं। सबको पता है कि टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना आइडल मानते हैं और उनकी जैसी बॉडी और डांस दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी मूवीज़ के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का जो टीज़र है उसको। ये ज़्यादा वीक है। सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक चोपड़ा, सेकंड अक्टूबर। तो दोस्तों ये था टीज़र। टीज़र जो है सिर्फ ये 54 सेकंड का टीज़र है और 54 सेकंड्स में कुछ बहुत सारे मतलब धूम धूम हो गई। तो कैसा लगा आप लोगों को, कैसा लगा टीज़र? बढ़िया एक्शन मूवी है, टोटली एक्शन दिख रहा है। और मेरे को तो वो वाला सीन सबसे अच्छा लगा कि वो उछल के घुसा मारता है और घुसा मारते ही आग आ जाती एकदम से। मतलब ये क्या था, एकदम से चेंज एक्शन का तो एकदम से, यानी घुसे में आग समझ ही नहीं। स्टंट्स हैं काफी और एकदम से जो उसको पकड़ के ऐसे शीशे के अंदर आला, मतलब ऐसे लगता बिल्कुल ही वो अलग से। मुझे तो सबसे अच्छा वही लगा कि एकदम से मारदार चल रही होती है और बीच में कपड़े उतरते हैं एकदम से। मतलब समझ नहीं आया कि भाई साहब इस मूवी के अंदर, एक पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इस मूवी के अंदर कोई भी उस लड़की के कपड़े उतरते हुए देखने से ज़्यादा ऋतिक और टाइगर श्रॉफ के कपड़े उतरते हुए देखना चाहेंगे। और दोनों पर्सनैलिटी हैं, बॉडीज वाले, एक्शन वाले हैं। ऋतिक ने ऑलरेडी अच्छी बॉडी है और उसके बाद भी इस मूवी में तो काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई। और ऋतिक को अभी थोड़े दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले ही वर्ल्ड का सबसे सेक्सीएस्ट मैन का खिताब मिला है, एक मैगजीन ने दिया उनको। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए, उनके लिए क्या, हम सभी के लिए बहुत अच्छी, इंडिया के लिए बहुत अच्छी। तो ऐसा नहीं है हम सब भी मतलब वहाँ पहुँच सकते हैं, बस थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ऋतिक जितनी। तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग ही है। तो ये टीज़र था वॉर, बहुत अच्छी मूवी, 2 अक्टूबर को आ रही है। बहुत जल्दी इसका ट्रेलर भी आने वाला है, तो हमारे चैनल पे आइएगा आप, हम सबसे पहले इसका रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे। टीज़र को देख के कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हाँ इसमें एक चीज़ पता चल रही है, आप सीन्स देखोगे तो ऋतिक रोशन आगे भाग रहे हैं और टाइगर श्रॉफ पीछे भाग रहे हैं लगभग हर सीन में। तो ये देखना होगा, देखना होगा ट्रेलर में लगेगा। मूवी के नाम से तो लग रहा है वॉर, अब ये नहीं पता है किस चीज की वॉर है। अलग अलग लोकेशंस पे कभी मतलब कभी पैरों पे भाग रहे हैं, कभी बाइक्स पे भाग रहे हैं, कभी गाड़ियों में, प्लेन में भी, प्लेन से बर्फ में। हाँ तो बहुत सारे सीन है, तो ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ सकता इससे। लेकिन सिद्धार्थ आनंद की इससे पहले मूवी आई थी बैंग बैंग, उसमें भी ऋतिक रोशन थे और बहुत अच्छी मूवी थी वो, भी अच्छी थी। हाँ एक्शन मूवी, हाँ उसके गाने बहुत अच्छे थे, तो गानों से, इस मूवी के गानों से भी काफ़ी उम्मीद है। और अभी तो देखो, अभी तो टीज़र है ये और बाकी ट्रेलर आने में पता लगा कि मूवी एक्चुअल में है क्या है क्या। थोड़ा मतलब इस टीज़र से आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि ट्रेलर किस चीज़ के बारे में है। ये भाग दौड़ वाली ही, मतलब ये वो ऐड तो नहीं है, ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में रुकना मना है, तो वो पता चलेगा। और एक्चुअल में क्या है, टीज़र में सिर्फ एक्शन एक्शन है, एक्शन स्टंट कुछ, इसके अलावा कुछ डिफरेंट चेंज ही नहीं लगा, यानी कोई रोमांटिक सीन या कोई वैसा कुछ नहीं दिखाया इसमें। एक गाने की छोटा बड़ी सीन दिखाई हुई है,
और वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी एक्ट्रेस जो थी उनकी लास्ट मूवी रणवीर सिंह के साथ आई थी, जिसमें नशे से चढ़ गई वो जो सॉन्ग था, तो उस मूवी में वो दिखी थी, वो भी वाणी कपूर वाले। तो अब वो इस मूवी में आ रही हैं, पर उन पे ज़्यादा फोकस नहीं जाता है, वो चाहे कपड़े उतार रही हों चाहे कुछ भी कर रही हों, क्योंकि जो बाकी के दो लोग हैं वो उससे ज़्यादा ही सेक्सी दिख रहे हैं। ऋतिक और टाइगर श्रॉफ की तो बात ही डिफरेंट है ना। तो ये टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के दोनों के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी मूवी जाने वाली है। और तो इस मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट ट्रेलर देखेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, पहले ट्रेलर आ जाए, ट्रेलर ट्रेलर पे थोड़ी सी मूवी क्लियर हो जाएगी, मूवी है किस चीज पे, टीजर पे तो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे कि मूवी में एक्चुअली क्या हो क्या रहा है। तो ये था हमारा इस टीजर के ऊपर रिएक्शन, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें रिक्वेस्ट भेजें किसी भी वीडियो का रिएक्शन बनाने के लिए। थैंक यू, बाय।